लंगूर और एक शेर के बच्चे के साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल विभाग ने 3 आदमियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया एक्सप्रेसवे इलाके से पकड़ा गया है। पता चला है कि कई दिनों से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल विभाग के अधिकारियों के पास एक खबर आ रही थी कि बांग्लादेश से सटे हुए बनगांव बॉर्डर से होकर भारत में जंगली जानवरों की एक बड़ी खेप घुस आई है। कथित अपराधियों ने इन जंगली जानवरों को पश्चिमी भारत की ओर ले जाने की फिराक में थे, जहां इन्हें किसी धनी आदमी के व्यक्तिगत चिड़ियाखाने में रखे जाने की कोशिश की जा रही थी। सूचना हाथ लगते ही पुलिस ने इन गिरोह को ट्रैक करने का काम शुरू कर दिया। कल रात पुलिस अधिकारी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल विभाग के अधिकारी बेलघरिया एक्सप्रेसवे पर इन लोगों को एक गाड़ी समेत धर दबोचा। गाड़ी की तलाशी लेने पर 3 बड़े बड़े बैग बरामद हुए। बैगों को खोलने पर एक शेर का बच्चा और 3 काफ़ी खूबसूरत वाइड हेडेड लंगूर बरामद हुए। गाड़ी समेत 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन जानवरों को वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि ये जंगली जानवर काफ़ी अस्वस्थ हैं, इसके लिए इन्हें अलीपुर चिड़ियाखाने में भर्ती कर दिया गया है, जहां इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की देखरेख की जा रही है। पूछे जाने पर पकड़े गए लोगों ने बताया कि बांग्लादेश से लाते हुए इन जानवरों को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से होते हुए पश्चिम भारत में ले जाया जा रहा था। इन्हें सिर्फ फ़ोन करके किसको माल का हाथ बदल करना है यह बताया जाता था और इनके अकाउंट में 20 से 30 हज़ार पैसे आ जाते थे। हालांकि यह माल किसको ले जाया जा रहा था ये उन्हें पता नहीं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल विभाग का दावा है कि इसमें कोई बड़ा इंटरनेशनल गिरोह शामिल है। খবর ছিল যে বর্ডার ক্রস করে কিছু অ্যানিমেল ট্রান্সপোর্ট হবে, ওয়াইল্ড অ্যানিমেল। কাল রাতে খবর হয় যে বর্ডার ক্রস করে গেছে এবং খুব সম্ভবত 4টে অ্যানিমেল আছে। স্কর্পিও গাড়ি, সেই গাড়িটা আমরা ধরি যেখানে অ্যানিমেলগুলো ওঠানো হয়েছিল। 4টে ব্যাগের মধ্যে অ্যানিমেলগুলো ছিল। এই 4টে ছোট ছোট নাইলন ব্যাগের মধ্যে খুব স্ট্রেসড অবস্থায় অ্যানিমেলগুলো রাখা ছিল। যে কি অ্যানিমেল সে বলতে পারছে না, কারণ সে ব্যাগ খুলে কখনো দেখে না। সে এটাই সে ক্লেম করছে আর কি, যে ব্যাগ খুলে সে কখনো দেখেনি। কিন্তু এই ধরনের অ্যানিমেল, যে অ্যানিমেলগুলো হয়তো খুব ধনী ব্যক্তি যারা, তাদের যাদের হয়তো প্রাইভেট জু আছে, বাড়িতে প্রাইভেট ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা আছে, এরকম ধনী ব্যক্তি যারা বাড়িতে এই জন্তুগুলো রাখে এন্টারটেনমেন্টের জন্য, এই ধরনের কোনো ধনী ব্যক্তি বাড়িতে, সেটা পশ্চিম ভারতেও হতে পারে, ভারতের বাইরেও হতে পারে, সেরকম কোথাও এই অ্যানিমেলগুলো যায় বা এবারেও যাচ্ছে না। মূল চক্রী খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমাদের ইন্টারোগেশন চলছে, তদন্ত চলছে এবং আমরা কোর্টের কাছেও আবেদন জানাবো যে পরবর্তীকালেও যেন আমরা কাস্টডিতে নিয়ে তাদেরকে আরও ফার্দার জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি এবং আরও কিছু নাম বা কন্ট্যাক্ট যদি আমরা পাই তাহলে আরও এই